एवरीवन, मेरा नाम है कृति एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लॉ स्कूल में कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला ऑप्शन है आपके पास, वो है लीगल पेड इंटर्नशिप्स। जब आप किसी भी लॉ स्कूल में जाते हैं तो हर सेमेस्टर के बाद एक महीने का या दो मंथ्स का ब्रेक होता है। अब उस ब्रेक में मोस्टली स्टूडेंट्स, कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी होता है और कुछ में नहीं होता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स करते हैं। और ऐसी ऐसी कुछ इंटर्नशिप होती हैं जो कि पेड होती हैं। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेड इंटर्नशिप ढूंढना, लेकिन यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू विल हैव टू फाइंड देम। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इन सारी इंटर्नशिप्स के लोग अपने एक्सपीरियंसेस डालते हैं, जिसमें बताते हैं कि उन्हें कितना स्टाइपेंड मिला था। सो जैसे कि लॉ ऑक्टोपस एक वेबसाइट है जिसपे आप ढूंढ सकते हैं ऐसी इंटर्नशिप। अब कुछ फर्म्स होती हैं जो कि इंटर्नशिप्स के लिए पे करती है, जैसे कि ट्राई लीगल हो गया, एलएनएल, फीनिक्स लीगल हो गया, ये सारी कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स हैं जो कि पे करती हैं, मुझे पता है पे करती हैं। और इनके अलावा भी कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो कि पे करती हैं, तो ये सब आपको लॉ ऑक्टोपस में मिल जाएगा। अब कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने इंटर्नशिप्स पे भी पे करती हैं, जैसे कि सीसीआई हो गया, वो भी स्टाइपेंड पे करती है। तो आप ऐसी जगहों पे इंटर्नशिप्स कर सकते हैं अपने लॉ कॉलेज के ड्यूरेशन में जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता हो। अब सेकेंड आता है, सेकेंड होती है कुछ कॉम्पिटिशन्स जिसमें भी पेमेंट मिलता है। अगर आप उन कॉम्पिटिशन्स को जीतते हो लॉ स्कूल के ड्यूरिंग, जजमेंट राइटिंग हो गया, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन्स या फिर ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसा होता है कि पेमेंट मिलता है अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स को जीतते हो। अगेन, ये कॉम्पिटिशन्स वेबसाइट्स पे आते रहते हैं, लॉ ऑक्टोपस जैसे वेबसाइट पे आते रहते हैं कि कौन से कॉलेज में कौन सा कॉम्पिटिशन चल रहा है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो उससे आपको कुछ पेमेंट मिल सकता है। अब जो इसमें प्राइज मनी मिलता है वो वेरी करता है, तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे पेपर्स पड़ेंगे, आपको अच्छा मूड करना पड़ेगा, तो आपको ऑब्वियसली इसका प्राइस मिल जाएगा। अब जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है वो है लीगल ब्लॉगिंग। लीगल ब्लॉगिंग का मतलब है कि कुछ ऐसी लीगल वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप आर्टिकल्स लिखते हैं और फिर वो आपको क्रेडिट और आपको आपका मनी पे करते हैं। जैसे कि आई प्लीडर्स हो गया, एक वेबसाइट है जो जिसपे अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो आपको पेमेंट करती है। सो ऐसे ही और भी वेबसाइट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब जो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है पैरालीगल वर्क इन स्मॉल फर्म्स या फिर अपना खुद का काम। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे रेंट अग्रीमेंट्स या फिर स्मॉल स्मॉल अग्रीमेंट्स बना सकते हैं अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, लोगों के लिए, जिनको जो भी आपको अप्रोच करते हैं, और आप उनसे उसका मॉनिटरी मनी ले सकते हैं उस चीज़ के। अब इसमें ही आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे किसी एडवोकेट को से बात कर सकते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा काम ना हो, तो वो आपको उसके पास जितना काम आता है उसका आपको अग्रीमेंट वाला काम आपको डेलीगेट कर सकता है और फिर उसका आप मनी चार्ज कर सकते हैं। अब है फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ तरीका जिससे कि आप थोड़ा सा मनी अर्न कर सकते हैं, वो है कोचिंग सेंटर्स। अब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी कोचिंग में उनको लोग चाहिए होते हैं जो उनके मॉक टेस्ट बनाए या फिर उनके सिलेबस को प्रिपेयर करे या फिर मटेरियल प्रिपेयर करे या फिर पढ़ाने के लिए भी स्टूडेंट्स चाहिए, लोग चाहिए होते हैं बेसिकली उन्हें, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को ले लेते हैं जो ऑलरेडी लॉ कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी सिटी में जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि उनको ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत है उस टाइम पे, एंड देन दे विल पे यू फॉर वट एवर वर्क यू डू। अब जो सिक्स तरीका है जिससे आप पार्ट टाइम मनी अर्न कर सकते हैं वो है स्मॉल बिजनेसेस। अब ये थोड़ा सा लॉ नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कि आप स्मॉल बिजनेसेस कर सकते हैं अपने खुद के या दूसरों के बिजनेसेस प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपका खुद का कोई टैलेंट है उसको आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में कुछ लोग थे जिनको पेंटिंग बहुत अच्छी आती थी, पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छी बनाते थे, तो उन्होंने फिर अपना सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया, लोगों से बात की, उनको उनके पोर्ट्रेट्स पसंद आए, लोगों ने उनको पे किया उन पोर्ट्रेट्स के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो भी टैलेंट है आप उसको सेल करिए। सेकेंड काम जो आप कर सकते हैं, जैसे जो लोकल बिजनेसेस होते हैं छोटे छोटे, आप उनको बोल सकते हैं कि आप उनका जो भी सामान है उसको आप प्रमोट करेंगे, आपके थ्रू आप उस सामान को लोगों तक पहुंचाएंगे और जो भी थोड़ा बहुत कमीशन वो आपको देंगे उस चीज़ का वो आप अपने लिए रख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे स्मॉल बिजनेसेस से आप थोड़ा सा कट अपने लिए बना सकते हैं। आप सेवेंथ पार्ट टाइम जॉब के लिए जो आप कुछ कर सकते हैं पार्ट टाइम मनी अर्न करने के लिए वो है राइटिंग जॉब्स, कंटेंट राइटिंग जॉब्स। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको लोग चाहिए होते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, तो आप ऐसी कंपनीज में बात कर सकते हैं कि वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखेंगे और फिर उसके लिए वो आपको पे करेंगे।
अब जो 8th पॉइंट है इसके लिए वो ये है कि आप अपने कुछ प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, जो आप जिनकी आप अगर हेल्प करेंगे रिसर्च में, या अगर कोई वो बुक लिख रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें उनको किसी की हेल्प चाहिए, तो वो आपको क्रेडिट दे सकते हैं और आपने जितना काम किया है उसका आपको मनी दे सकते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसने एक प्रोफेसर को अप्रोच किया था जो कि एक बुक लिख रही थी, और फिर उस बुक में एक चैप्टर में बेसिकली उनको हेल्प चाहिए थी, उसका क्रेडिट और जो भी पेमेंट होता उन्होंने उसको पे किया था कि तुमने इतनी हेल्प की है, उसका ये मॉनेटरी पेमेंट है। अब है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट बहुत ही नॉर्मल है, जो मोस्टली बहुत लोग करते भी हैं, वो है ट्यूशंस लेना। आप नॉर्मल किड्स जो होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, 7 to 10, 6 to 10, 5 to 10, जो भी आप चाहें, उन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं अपने फ्री टाइम में। जब भी आपको रात में शाम को 1-2 घंटा मिलता है, तो आप उनको ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आजकल काफ़ी चला है कि लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग्स भी खोल ली हैं, तो उसमें आप पढ़ा सकते हैं ताकि आपको कहीं जाना भी ना पड़े और उसका आपको पेमेंट भी मिल जाए। अब जो 10th पॉइंट है मेरे पास, वो कोई जॉब एसेस नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ पे ये सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ढूंढ सकते हैं ये सारे पार्ट टाइम काम। सो फर्स्ट जो वेबसाइट है वो है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला पे ये सारे पार्ट टाइम जॉब्स आते रहते हैं, मेन जॉब्स भी आते रहते हैं, पर अगर आप बिग कॉलेज ऐसे कुछ थोड़ा बहुत टाइम देख के जॉब करना चाहते हैं, कुछ मनी अर्न करना चाहते हैं, तो आप इंटर्नशाला पे ये सब ढूंढ सकते हैं। एक और वेबसाइट है, वो है 2019, उस पे भी ऐसी जॉब्स आती रहती हैं। फिर एक और वेबसाइट है लेट्स इंटर्न, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे ऐसे काम मिलता रहता है, तो आप इन पे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए जिस भी चीज़ में आपको काम करना है, और उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं अपने लॉ कॉलेज के साथ साथ। अब मेरे पास एक लास्ट पॉइंट है बोलने को, ये कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि देर इज अ रीजन कि लॉ स्कूल को स्कूल क्यों बोलते हैं, लॉ स्कूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप बेसिकली वहां पे अपना एजुकेशन पूरा करने जाते हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने जाते हो। इट्स गुड कि आप मनी अर्न करना चाहते हो, आप सपोर्ट करना चाहते हो अपनी फैमिली को, ऑब्वियसली आपका मोटिव बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उन 5 सालों में एक्चुअली लॉ पे ज्यादा ध्यान दोगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे, अपना CV बेटर करने पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो आपके पास 5 ईयर्स के बाद ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ पाएंगी और आप अपना बाद का फ्यूचर ज्यादा सिक्योर कर पाओगे। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपना लॉन्ग टर्म गोल मत साइड करिएगा। मुझे बस यही पॉइंट समझाना है, बाकी ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, और ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप लॉ स्कूल में रह के उसके साथ साथ मनी अर्न कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये तरीके मेरे कुछ फ्रेंड्स कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे पता है ये वर्क करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है लॉ स्कूल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ कंटेंट बनाऊँ और आपको बताऊँ कि हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई मेक समथिंग बेटर फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड हैव अ गुड डे।